जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी अपनी दुनिया की उन घड़ियों पर हसरत करेंगे जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी। अगर उस वक्त हम अल्लाह का जिक्र कर लेते तो आज जन्नत का हमारा मकाम इससे आगे होता। यकीन मानिए, बाज लोगों के पास इतनी फुर्सत होती है, इतनी फुर्सत होती है, अल्लाह ने इन्हें माल भी दिया हुआ होता है, इनके पास तकरीबन हर तरह की आसाइशें भी होती हैं, मगर ये अपने वक्त को, अपने माल को, अपनी जान को और अपने सेहत को सही मायनों में अल्लाह के दीन के कामों में मसरूफ नहीं करते, अपनी ख्वाहिशात, अपनी बहुत सारी चीजें पूरी करने में लगे होते, तवज्जो ही नहीं होती, मुताला नहीं करते। भाई कुफिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, किताब पढ़ी नहीं पढ़ी, गीबत के दबा करे किताब पढ़ी नहीं पढ़ी, अच्छा तकबर किताब पढ़ी नहीं पढ़ी, अच्छा तकबर की तारीफ क्या है, क्या तारीफ है, अच्छा तकबर किसे कहते हैं, तकबर तकबर है, किसे कहते हैं, अच्छा चलो बताओ हिर्स किसे बोलते हैं, हिर्स लालच, इसकी तारीफ क्या है, हसद किसे कहते हैं, चुगली किसे कहते हैं, वादा खिलाफी किसे कहते हैं, यानी कई ऐसी चीजें जिनका सीखना फर्ज ऐन है, अगर हम नहीं सीखेंगे तो गुनाहगार हो रहे हैं। अच्छा चले नमाज के फराइज बता दो, नमाज खुद फर्ज है, नमाज के भी कोई फराइज होते, अरे हाँ 50-50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, आपको ये नहीं पता कि नमाज के भी फर्ज होते हैं, अच्छा चलो वजू के फर्ज बता दो, वजू का क्या फर्ज होता है, 70 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते आते किसी ने नहीं बोला वजू में भी फर्ज होता है, अब कुछ बोलना है, वजू में भी 4 फर्ज होते हैं, अच्छा चलो भाई गुस्ल फर्ज हो जाए उसके फर्ज बता दो, उसके भी नहीं आते होंगे, कपड़ा कैसे पाक करते ना पाक हो जाए ये भी नहीं आता होगा, अच्छा कुरान की कोई सूरत चलो सूरह फातिहा पढ़ के सुना दो, वो भी पढ़ने सही नहीं आती, अच्छा चले यार सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद ये सही पढ़ के सुना दो, ये भी नहीं पढ़ने के लिए आते, अरे भाई आता क्या है, सिलेबस है हमारा जिसमें बास कंपल्सरी क्वेश्चन है, जैसे आपने इम्तिहान दिया होगा ना स्कूल कॉलेज का, इसमें बास कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, पूरा पेपर फिल कर लो, कंपल्सरी क्वेश्चन छोड़ दोगे फेल हो जाओगे, मुसलमान की जिंदगी का निसाब है, सिलेबस है, जिसमें सबसे कंपल्सरी ये है कि वो फर्ज इल्म सीखे, खाली बड़ी बड़ी बातें करने से यकीन माने गुजारा नहीं होगा।